तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आरसी सर्किट। और देखो आरसी सर्किट तो नाम से क्लियर, एक ऐसा सर्किट है जिसमें क्या हो भाई, कैपेसिटर कैपेसिटर भी हो और रेजिस्टेंस भी हो, ठीक है। तो हाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मान लीजिए हमने एक बहुत सिंपल सर्किट लिया, एक जिसमें रजिस्टर भी है और एक कैपेसिटर भी है। इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक हमने स्विच लगा दिया था एस, है ना, ये 20 वोल्ट की बैटरी थी, ये कैपेसिटर है सी जिसका कैपेसिटेंस सी है और रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। टी बराबर जीरो पर हमने कनेक्शन को ऑन किया, कनेक्शन ऑन था या स्विच को ऑन किया, एस को ऑन कर दिया, ठीक। इसको हमने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया टी बराबर जीरो पे, और इनिशियली जो आपका ये कैपेसिटर था, इनिशियली कैपेसिटर क्या था आपका, अनचार्ज लिया हमने, ठीक है ना, अनचार्ज लिया हमने। तो टी बराबर जीरो पे आप देखोगे कि जो चार्ज है, चार्ज ऑन कैपेसिटर वो कितना है, जीरो है, अरे है कि नहीं जीरो। जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अक्रॉस कैपेसिटर बीसी, क्या वो भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि बीसी क्या होता है, क्यू अपॉन सी होता है, जीरो आ जाएगा। हाँ सर, मतलब इनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो इसका ये सीधा मतलब है कि जो भी ड्रॉप आया है, जो भी ड्रॉप आया वो किसके अक्रॉस आया, आर के अक्रॉस आया। भाई जो वी है, वी ये दो लोगों को अपना ये वोल्टेज बांटेगा, एक आर को बांटेगा एक सी को बांटेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है और सीरीज में पोटेंशियल बढ़ता है। अगर टी बराबर जीरो पर जस्ट स्विच को ऑन किया, उसी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, टी बराबर जीरो पर अगर पोटेंशियल कैपेसिटेंस ने नहीं लिया तो सारा का सारा पोटेंशियल कौन ले जाएगा, आर ले जाएगा। सही बात है ना, क्लियर। इसका मतलब है कि टी बराबर जीरो पर अगर मैं सर्किट बनाऊं, है ना, अगर कैपेसिटर ने पोटेंशियल नहीं लिया तो इसका मतलब एक प्लेन वायर की तरह हो गया ये। हाँ, अगर इसने वोल्टेज यहां भी जीरो था, अगर मान लिया वी था टोटल, अगर मैं इसको यहाँ जीरो बोलू तो यहाँ वी हो जाएगा, ये भी आया जीरो यहाँ पे। अगर यहाँ पे जीरो है और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर भी जीरो आ गया, मतलब ये तो दोनों सेम क्या हो गया, एक प्लेन वायर हो गया एक तरीके से, है कि नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हुआ। अब यहाँ बचा आर, इस केस में जो भी ये बैटरी का पोटेंशियल था वो कौन ले जाएगा भाई, आपका रेजिस्टेंस ले जाएगा। करंट मान लो ऐसे गया, करंट ऐसे गया, इधर प्लस इधर माइनस, तो आप क्या बोलोगे कि टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर जो भी करंट आएगा आई, वो कितना आएगा, वो आएगा वी बाई आर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या। हाँ, क्योंकि ये जो पोटेंशियल आया है वो इसके अक्रॉस मिल गया, वी पोटेंशियल आ गया यहाँ पे, करंट आई है, आई क्या होता है भाई, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस, वी अपॉन आर, तो आई हमें मिल गया वी अपॉन आर। बोलो टी बराबर जीरो पर कहानी समझ में आई अपने को। हाँ, है ना। तो टी बराबर जीरो पर आपको कैपेसिटर को क्या मानना है, कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस्ड बाय प्लेन वायर। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ गया, जीरो, अगर इफ कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, है ना, अगर वो अनचार्ज है तो चार्ज होगा तो फिर केस कुछ और आएगा, मैं उसकी भी उसको भी डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। हाँ सर, यहां तक जल्दी से नोट करिए आप। टी बराबर जीरो पर हमने कहानी देख ली, टी बराबर जीरो पर अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था तो कैपेसिटर को हमने रिप्लेस कर दिया था प्लेन वायर से, सही है, प्लेन वायर से। हाँ, चलो अच्छा, धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट होगा, है ना, धीरे धीरे क्या होगा कि करंट जाएगा, है ना, कि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होगा, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, क्यू बाई सी, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये वीसी क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। मान लो किसी टी बराबर टाइम टी पर अगर मैं देखूं, है ना, किसी टी टाइम पर की बात कर रहा हूं मैं, मान लो करंट है आई,
और ये अपना आर था, ये प्लस, ये माइनस, इस पर चार्ज आ गया क्यू, यहाँ आएगा माइनस क्यू, ये था वी तो हमने इसको बोल दिया जीरो, यहाँ पे आ जाएगा वी, यहाँ भी क्या आ जाएगा वी, यहाँ आ जाएगा जीरो। ये क्या है, सबको समझ में आया? हाँ। चलो मैं केवीएल लगाता हूँ, एक छोटा सा केवीएल का इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ मैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगाता हूँ मैं केवीएल, तो वी से स्टार्ट होता है तो वी आ गया, ये बाद वाला साइन उठाएंगे तो माइनस आई इंटू आर आएगा, बाद वाला साइन उठाएंगे तो आएगा माइनस क्यू अपॉन सी, और कहाँ पहुंच गए, जीरो पर, बताया था ना, जहां स्टार्ट करो और जहां पहुंच जाओ, तो जो जहां पर पहुंचो उसको राइट हैंड साइड पे लिख देना है, तो v बराबर क्या आ गया, आई आर प्लस क्यू अपॉन सी, सही है, तो v माइनस क्यू अपॉन सी आ गया आई इंटू आर, तो मैं आई को लिख सकता हूँ v माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन आर, थोड़ा और अच्छा मैं करूं तो आ जाएगा सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी, कर सकता हूं मैं। चलो कुछ और बातें देखते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्यू बढ़ रहा है, अगर क्यू बढ़ेगा, जरा इस इक्वेशन को देख के बताओ आई घटेगा कि बढ़ेगा, इसको देखो बताओ, बढ़ेगा, अगर क्यू बढ़ेगा तो आई घटेगा कि बढ़ेगा, आई कम होगा, घटेगा, आई क्या होगा, कम होगा मेरे भाई, एक टाइम बाद कम हो जाएगा, कम होते होते एक टाइम बाद वो जीरो हो जाएगा, बताऊंगा कब, ठीक है, ये ऐसा हुआ, तो यहां से अपने को चीज दिख भी रही है, ठीक। अच्छा, हमें क्या करना है, किसी टाइम टी पर कितना चार्ज आएगा ना, वो चार्ज का वैल्यू निकालना है, सही है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जरा मेरी बात जरा गौर सुनो, जो क्यू आ रहा है, ये क्यू जो है बढ़ रहा है ना, क्यू क्या हो रहा है, टाइम से धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखो करंट यहाँ से आ रही है, चार्ज का सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके रुक जा रहा है, वो इस वाले प्लेट से खींच के आ रहा होगा और इस प्लेट पे जाके रुक जा रहा होगा, ठीक है। तो जो आई है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। भाई यही जो डी क्यू अपॉन डी टी है ना, वही तो आई है, सही है ना, आई क्या हो गया, डी क्यू अपॉन, सही है। अच्छा, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं I की प्लेस पर क्या रख देता हूँ, dq upon dt रख देता हूँ, तो मैं रखने की कोशिश करता हूँ, तो dq upon dt कितना आ गया हमारे पास, cv minus q upon rc, ठीक। इस d, ये जो पूरी टर्म है ना, ये वाली, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ dq के, cv minus q is equal to 1 upon rc dt, बोलो ये बात सबको समझ में आई? हाँ। अभी क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना दोनों साइड, क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, इंटीग्रेट, तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट क्या रखोगे वो देखते हैं। टी बराबर जीरो पर हमने कनेक्शन बनाया था, टी बराबर टी तक गए थे, टी बराबर जीरो पर आपने कैपेसिटर अनचार्ज लिया था तो कैपेसिटर पर चार्ज जीरो आएगा, टी बराबर टी पर हमने क्यू मान लिया, और लिमिट समझ में आया क्या? आया सर। चलो हाँ सर, समझ गए, जल्दी से आता, नोट करो यहाँ जल्दी से, हमारे पास क्या निकल के आया था, इंटीग्रेशन ऑफ टर्म dq अपॉन cv माइनस q इज इक्वल टू 1 अपॉन rc dt, सही है, लिमिट 0 से t, लिमिट 0 से q, है ना, ये जो टर्म दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये टर्म तो कांस्टेंट है cv वाला, ये वेरिएबल है, ये कुछ तो नहीं दिख रहा 1 अपॉन ये dx अपॉन ax माइनस b या प्लस वाला फॉर्मेट है ना ये, हाँ, जिसका ln आंसर आता है, तो इसका कितना आएगा ln cv माइनस q, लेकिन आगे क्या लग जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि q के आगे माइनस चल रहा था, लिमिट लगाना आपने कहां से कहां तक, जीरो से लेके q तक, यहां पे आएगा 1 अपॉन rc और ये dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, अगर मैं भी लिख देता हूं 1 अपॉन rc * t, तो ये जाएगा t, सही है क्या? चलो याद रखो, आप इस माइनस साइन को मैं इधर भेज देता हूँ और लिमिट अंदर पुट करता हूँ, तो आएगा सी वी माइनस क्यू, क्यू की जगह पर क्यू रखोगे तो यही आएगा अपॉन, क्यू की जगह पर जीरो रखोगे तो आएगा सी वी, ये अपॉन में क्यू क्या समझ में आया क्या अपने को, क्योंकि एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए अपॉन बी, है ना। चलो तो अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, क्योंकि ये वाला माइनस साइन मैं इधर ले गया, तो यहाँ माइनस टी बाई आर सी, ln का मतलब क्या होता है, log बेस e, जब log आप हटाते हो तो जो बेस में होता है ना उसकी पावर राइट हैंड साइड चला जाता है,
है ना, सीवी माइनस क्यू माइनस क्यू अपॉन सीवी, ये हमारे पास एक रिलेशन आया। अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको सर। हाँ सीवी माइनस क्यू नीचे आएगा, सीवी माइनस क्यू हाँ सर नीचे आएगा, अगर माइनस कंपनसेट किया तो वो ऊपर आएगा। अच्छा माइनस को मैं इधर ले गया है। हाँ सर ठीक है चलो, तो सीवी माइनस क्यू इज इक्वल टू सीवी टाइम्स ई माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, सही है। हाँ इस क्यू को इधर भेज दो, ये पूरी टर्म इधर भेज दो, सीवी कॉमन आएगा अंदर बचेगा वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास आ गया किसी टाइम टी पर कितना चार्ज किसी कैपेसिटर पर स्टोर हुआ किसी प्लेट पर, वो हमारे पास आके निकल गया सीवी टाइम्स वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। बोले समझ में आया कि अपने को ये? हाँ सर। और ये अपने को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सीवी वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब जरा यहाँ पे कुछ क्रॉस चेक कर लेते हम लोग, जरा टी बराबर जीरो रखो इसमें तो Q कितना आएगा, CV 1 माइनस E की पावर 0, E की पावर 0 1, तो ये 1 1 0 कितना आया 0, सही है ना। चलो नोट करिए यहां तक, नोट करिए यहां तक जल्दी से। क्या कर रहे हो देख ले देख दे हाय ना मैं तो नहीं दिख रहा हो गया सर। हो गया चलो, हाँ चलो ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा टाइम अभी इसका ओवर हो रहा है 40 मिनट का, तो मैं फिर से भी ऐड करते ज्वाइन करता हूँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। हाँ सर चलो। हाँ हाँ सर।